सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टिकरीजी। टॉपोलॉजिकल स्पेस में आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ अ सेट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट के बारे में। सो अगर आपको कोई सेट ए गिवन है, लेट ए बी अ सेट, देन अ पॉइंट एक्स इज सेट टू बी द इंटीरियर ऑफ ए अगर ए आपका नेबरहुड होगा एक्स का। If A is the neighborhood of X, neighborhood मतलब neighborhood की definition में मैंने आपको बताया था, अगर A X का neighborhood होगा, it means there exists a set G, subset of A, which contains X. अगर ये condition show कर रहा है X, then X is said to be the interior point of A. और जितने भी interior point A के होंगे, उन सभी का collection जो होता है, उसको हम बोलते हैं interior set. So interior point की definition अगर हम लिखें, लेट एक्स टी, अगर आपको कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, एक्स टी बी ए टॉपोलॉजिकल स्पेस, एंड लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, देन देयर अ पॉइंट एक्स विच बिलोंग्स टू ए इज सेट टू बी इंटीरियर, सेट टू बी द इंटीरियर पॉइंट of A if A is a neighborhood of X. अगर A X का neighborhood होगा तो X को हम कहेंगे interior point of A. That is, there exists a set G such that X belongs to G and G is a subset of A. Then X is said to be the interior point of A. And the second point is interior set. Interior set होता है collection of all interior point. The collection of all interior points of A is said to be the set to be the interior set. The collection of all interior point of A is said to be the interior set. और interior set को हम denote करते हैं, अगर A का interior set हम ले रहे हैं, then it is denoted as A interior, A interior, or interior A, या फिर इसको हम simply I A से भी represent कर सकते हैं. I A means इंटीरियर ए, वो सेट जो ए के सभी इंटीरियर पॉइंट्स को कंटेन करेगा. सो अभी हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट या इंटीरियर सेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में. सो द थ्योरम इज लेट एक्स टी बी टॉपोलॉजिकल स्पेस and let A be a subset of X, then अगर XT आपका कोई topological space है और A है X का कोई subset, then हमें show करना है interior of A is the union of all open sets contained in A. ये आपकी थ्योरम है. सो बेसिकली आपको बताना क्या है, आपको प्रूफ ये करना है दैट A का जो इंटीरियर होगा वो आपका होगा यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, से G भी द ओपन सेट्स, एंड ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन A, सच दैट G जो होंगे वो आपके A के सबसेट्स होंगे. तो ये आपको शो करना है दैट ए इंटीरियर यूनियन ऑफ जी होगा, जहां पे जी एक ओपन सेट है एंड विच इज अ सबसेट ऑफ ए. तो इसको शो करने के लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ए इंटीरियर को सबसेट दिखाएंगे यूनियन ऑफ जी का, उसके बाद यूनियन ऑफ जी को सबसेट दिखाएंगे ए इंटीरियर का. और जब ये दोनों कंडीशंस हम शो कर देंगे, इट मीन्स ए इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी.
तो सबसे पहले हम शो करेंगे ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। तो अब हमें दिखाना है कि अगर कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट हम ए इंटीरियर में ले रहे हैं तो वो एलिमेंट इस सेट में भी होगा। तब हम शो कर सकते हैं दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इंटीरियर बिलोंग्स टू दिस सेट, इट मीन्स ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी। तो अब हमें शो करना है एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी। सो इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर देन इट मीन्स दिस इंप्लाइज एक्स आपका ए इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स एक्स जो होगा वो आपका एक इंटीरियर पॉइंट होगा। एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। सो अगर एक्स आपका इंटीरियर पॉइंट है इट मीन्स ए जो होगा आपका दैट इज ए इज इन नाइबरहुड ऑफ एक्स, ए जो होगा वो एक्स का नाइबरहुड होगा। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ सेट जी सच दैट जी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड जी कंटेन्स एक्स। सो वहाँ पे एक ओपन सेट आपको जी ज़रूर मिलेगा। सो अगर एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी में और जी आपका सबसेट है ए का, इट मीन्स जो यूनियन ऑफ जी होगा जहाँ पे जी आपके सबसेट्स हैं ए के, सो वहाँ पे डेफिनेटली ये वाला जी भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि हम यूनियन की बात कर रहे हैं और यूनियन में हम सभी सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं। सो यूनियन ऑफ जी में इस सेट को भी लिया जाएगा बिकॉज जी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड जी कंटेन्स एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी सच दैट जी इज अ सबसेट ऑफ ए। सो एक्स आपका बिलोंग कर रहा था ए इंटीरियर में, इट मीन्स एक्स होगा आपका इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, देन ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू सेट जी विच इज अ सबसेट ऑफ ए। सो एक्स आपका एक सेट में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वो उसके उन सभी कलेक्शंस के यूनियन में भी बिलोंग करेगा। सो दिस इंप्लाइज ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी सच दैट जी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब हमें शो करना है दैट यूनियन ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। तो इसके लिए अब हम एक एलिमेंट लेंगे यूनियन ऑफ जी में। सो अब हम सेकेंड कंडीशन को शो करेंगे। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी सच दैट जी इज अ सबसेट ऑफ ए। देन अब हमें शो करना है दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स आपको बिलोंग कर रहा है यूनियन ऑफ जी में, इट मीन्स ऑब्वियसली एक्स किसी ना किसी जी में बिलोंग कर रहा होगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू अ जी विच इज अ सबसेट ऑफ ए। वो यूनियन में तभी आएगा जब किसी एक सेट में एटलीस्ट एक सेट में वो बिलोंग कर रहा होगा। सो हम मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू अ सेट विच इज अ सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, दैट इज ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। देन एक्स इज सेट टू बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट होगा क्योंकि ए जो है वो आपका नेबरहुड है एक्स का। अगर एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है देन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, क्योंकि ए इंटीरियर जो होता है वो है आपका इंटीरियर सेट, और इंटीरियर सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटीरियर सेट जो है वो ए के सभी इंटीरियर पॉइंट्स को कंटेन करेगा, इट मीन्स वो एक्स को भी कंटेन करेगा। सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, दिस इंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ जी सच दैट जी इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। सो अभी हमने शो किया था ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी, एंड नाउ वी हैव शोन दैट यूनियन ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव दिस रिजल्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ए इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी सच दैट जी इज अ सबसेट ऑफ ए। सो ये अब हमारा एक सेकेंडरी डेफिनेशन की तरह यूज़ हम इसको कर सकते हैं इंटीरियर सेट के लिए। तो जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको लिख सकते हैं दैट इंटीरियर सेट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स सच दैट द ओपन सेट जी सब इज अ सबसेट ऑफ ए या फिर इज कंटेन्ड इन ए। सो गाइस ये था इंटीरियर सेट, इंटीरियर पॉइंट और उसके एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। सो गाइस आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम अपने अगली वीडियोस में इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड या फिर इंटीरियर सेट से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे।
सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।